हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है कि जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना होता है। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेष कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घट जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसके बेटी बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, तो चलिए दोस्तों अब आपको बता दें कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह बना लें ताकि उन्हें धन धान्य पर सुख संपत्ति प्राप्त हो। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखती हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकती हैं कि आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकती हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर, शुभ मुहूर्त पर या पूजा में बाल नहीं धो पाए तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबत आ रही है, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें तो मां लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने में भाग्य चमक जाता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिल जाते हैं। पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से सबसे पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती हैं।
और वहां से रुष्ट होकर चली जाती हैं। माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। और तो और, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से मनुष्य के जीवन में कई तरह के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। इसीलिए अपने माता पिता के पांव जरूर छुएं। पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। घर खाली हाथ कभी न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। धर्म शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही शुभ माना गया है, इसीलिए इसे एक नियम की तरह बना लें। पत्नी व बच्चों को हमेशा खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव से अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को कर देते हैं, लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। अगर पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू आते हैं तो इसकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो सकते हैं। अत्य परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है, इसीलिए इसे एक नियम की तरह जरूर बना लें। लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जितनी कठिनता से प्रसन्न होती हैं, उतना ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। आपने भी देखा होगा कि बड़े ठाट भाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने का कारण होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रुष्ट ना हो और उनकी असीम कृपा उनके भक्तों पर बनी रहे। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ झूठा खाना खाया, खिलाया और फैलाया रहता है, उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से पकाना है और खिलाना है। कहावत भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है, वही भावना भोजन करने वालों में विकसित हो जाती है। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जिस घर में लक्ष्मी की हंसी गूंजती है, उस घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हैं। इसके विपरीत, जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाले पुरुष लक्ष्मी का अपमान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि औरतों में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया पूछती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।